हाँ तो बच्चों, हम आप लोगों को फिजिक्स का जो आपका यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ा रहे हैं उसका दूसरा टॉपिक बताने जा रहे हैं। उससे आगे जो भी बताया, जैसे आपको बताया तो उसमें लेंथ की, लेंथ या लंबाई, लंबाई की कई यूनिट होती है। हम आपको बताया जैसे पारसेक होती है, पारसेक, और आपकी होती है लाइट ईयर, ईयर होती है इसका होता है जो एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है, और एंगस्ट्रम होती है, एंगस्ट्रम होती है फर्मी मीटर होती है, फर्मी मीटर होती है। तो एक्चुअली इसमें जैसे मान लीजिए बहुत अधिक दूरी, बहुत अधिक लंबाई, जैसे मान लीजिए इतनी दूरी निकालना है, इसकी हमें लेंथ निकालना है, तो हम इसको सेंटीमीटर में निकाल सकते हैं या मीटर में निकाल सकते हैं। अगर बहुत बड़ी दूरी निकालना है, जैसे एक साल में, एक ईयर में जितना प्रकाश दूरी तय करे उसे हम लाइट ईयर बोलते हैं। तो इतनी बड़ी दूरी को हम अगर सेंटीमीटर या मीटर में निकालने जाएंगे तब तो नहीं निकलेगा, बहुत लंबी दूरी है, उसके लिए हम लाइट ईयर यूज करते हैं, पारसेक यूज करते हैं। तो अलग अलग लंबाइयों के अलग अलग यूनिट होती है, जिसको हम जैसे जिस हिसाब से जो मात्रक होता है, जो यूनिट होती है उसको यूज करते हैं। छोटी दूरियों के लिए 100 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, छोटी दूरियों के लिए ये यूज करते हैं, और उससे बड़ी दूरी हो तो मीटर यूज करते हैं। बाकी पारसेक, लाइट ईयर बहुत बड़ी दूरियों के लिए होता है। ये लेंथ की यूनिट है, और लेंथ के तरह से टाइम की भी ऐसी यूनिट होती है, टाइम की भी यूनिट होती है। टाइम जैसे आप टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में, मिनट में, मिनट में, ठीक, आवर में, घंटा में, उसी प्रकार एक इसकी यूनिट होती है सेक, यह भी यूनिट होती है। तो कि और बहुत सारी यूनिटें होती हैं, लेकिन आपका जो सेकंड है वो आपका हर जगह से मान्य यूनिट है, इसे इसलिए हम के एस यूनिट या साई यूनिट, इसमें दोनों में इसका यूज है, और सीजीएस में भी यही लिखते हैं। तो जब एक चीज, एक जो रास की, एक फिजिकल क्वांटिटी की एक ज्यादा यूनिट हो सकती है, लेकिन मेजरमेंट में हम वही यूज करते हैं जो हमारे लिए आसान हो। बड़ी यूनिट तब यूज करेंगे जब बहुत बड़ी, बहुत बड़े टाइम को निकालना होगा, बहुत बड़ी दूरियों को निकालना होगा, उसके लिए बड़े यूनिट का यूज करेंगे। तो फंडामेंटल यूनिट साथ होती हैं, उनकी और भी यूनिटें होती हैं, लेकिन हमारे लिए वही आसान होती है, वही सुविधाजनक होती है कि जो हमारे पैमाने पर फिट बैठे। जैसे जितनी दूरियां निकालना हो, जितना समय निकालना हो, जितनी धारा निकालनी हो, उसके अकॉर्डिंग ये। अच्छा, और एक बात और जानते हैं, इसमें आपस में रिलेशन भी होता है। जैसे मान लीजिए एक मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर, एक मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो यहां पे क्या समझ में आया कि जो एक मीटर दूरी है, ये मान लीजिए पूरा डिस्टेंस है एक मीटर की, एक मीटर की है, इसको हम सेंटीमीटर पैमाने से, ये मान लो कोई सेंटीमीटर पैमाना है, एक सेंटीमीटर ये है, तो इस सेंटीमीटर पैमाने से इसको हम 100 बार मापेंगे, 100 टाइम्स। अगर इसको हम 100 टाइम्स माप दें यहां से यहां तक, तब ये एक मीटर प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब यही होता है कि मीटर और सेंटीमीटर में जो रिलेशन है वो ये है कि सेंटीमीटर वाले पैमाने से अगर हम 100 बार मापेंगे तो हमें आ जाएगा एक मीटर, यही इसका रिलेशन होता है। अच्छा, इसको अगर हम फार्मूला रूप में यूज करें तो हम ये समझ लें, देखिए यहां पे अगर हम लिखा हो कहीं एक सेंटीमीटर, एक मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या, देखिए इसको जो ये है, इसको हम मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट मतलब परिमाण, ये है जो यूनिट है इसको हम यूनिट बोलते हैं। ये जो मात्रक है इसका परिमाण ये है, यूनिट का परिमाण, मान, इसकी वैल्यू ये देखिए, ये अभी मैग्नीट्यूड ऑफ
मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट है और ये आपका है यूनिट, तो हम इसको मान लेते हैं फर्स्ट यूनिट, इसको सेकंड यूनिट, ये मैग्नीट्यूड ऑफ, ये सेकंड यूनिट का मैग्नीट्यूड है, ये फर्स्ट यूनिट का मैग्नीट्यूड है। तो यहां पे हमें क्या मिला, एक बात मिल रही कि हम मैग्नीट्यूड ऑफ जो ये रिजल्ट इसका है, जो इसका रिजल्ट है एक मीटर का जो आगे लिखा है, इसको हम दिखाते हैं यन से, कोई नंबर है और मैग्नीट्यूड को यू से, यूनिट को यू से, मैग्नीट्यूड को यन से। इसमें क्या है, यन वन यू वन बराबर यन टू यू टू। ये अगर यन वन की वैल्यू वन है और यू वन यूनिट जो है इसका मीटर है, यन टू क्या है हंड्रेड है और इसकी यूनिट क्या है सेंटीमीटर है, तो हमें यहां से क्या देखने पर मिल रहा है, मिल ये रहा है कि मीटर जो है वह बड़ी यूनिट है, मीटर जो है वह बड़ी यूनिट है, जबकि सेंटीमीटर वह छोटी यूनिट है। तो जब यूनिट का देखिए यहां पर अगर हमारा जो यूनिट का बड़ी यूनिट है छोटी यूनिट है, जब आपका मैग्नीट्यूड छोटा हो रहा है तो यूनिट बढ़ रही है, यहां देखिए मैग्नीट्यूड बड़ा तो यूनिट छोटी हो गई। यहां देख इसका मतलब यह है, जिसे हम लिख लें एक घंटा में 60 मिनट होता है, वन आवर में 60 मिनट। अब देखिए यहां पे ये मैग्नीट्यूड जो है यन वन की वैल्यू वो छोटी है तो घंटा जो है वो बड़ा है, मतलब यूनिट जो है वो बड़ी है। यहां देखिए यहां पे यन टू जो है बड़ी वैल्यू है, तो ये जो आपका मिनट होगा, मिनट जो होगा वो छोटी वैल्यू है, यानी इस बार यूनिट जो होगा ये छोटी हो गई। तो यहां से क्या मिल रहा है, मिल ये रहा है, फील आप लोगों को आ रहा होगा कि जब कभी एक यूनिट से दूसरी यूनिट में चेंज करते हैं तो यूनिट, अगर यूनिट का वैल्यू अगर छोटी होती तो उसका मैग्नीट्यूड बड़ा हो जाता है। देखिए यहां पे वन है तो वन से 60 हो गया, यूनिट की वैल्यू अगर बड़ी होती है तो उसका मैग्नीट्यूड जो है छोटा हो जाता है। यही देख लीजिए, वन मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, यानी यहां मैग्नीट्यूड जो है वह एक से 100 हुआ तो मीटर सेंटीमीटर हो गया, यानी यूनिट अगर बढ़ेगी, यूनिट अगर घटेगी, यूनिट देखिए घट रही है तो मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। तो हमें इससे ये बात तो फील हुई कि यन वन यू वन इज इक्वल टू यन टू यू टू, ये जो रिलेशन है इसमें हम एक यूनिट दूसरे यूनिट में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यूनिट और मैग्नीट्यूड में ये रिलेशन है। अच्छा, इनके बीच हमें पता होना चाहिए कि यन यानी आपका यन यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। अब अगर इसके बीच में हम ग्राफ ड्रा करें तो यन इक्वल टू कॉन्स्टेंट अपान यू, यानी यन प्रपोजनल टू वन बाई यू। अब देखिए ये इन्वर्सली प्रपोजनल है तो इसके बीच का ग्राफ जो होगा वो ऐसे आएगा, अगर हम इस पे यन दिखाएं इस पे यू दिखाएं तो जो ग्राफ आपका ऐसे आएगा, इसके बीच का ग्राफ, क्योंकि यन की वैल्यू बढ़ेगी तो यू की वैल्यू घटेगी। अगर ये मान लीजिए कोई रस्सी है, अगर इसको हम ऊपर तरफ खींचेंगे तो ये वैल्यू इधर आएगी, इसको इधर खींचेंगे तो ये नीचे आएगी, यानी यन की वैल्यू बढ़ेगी तो यू की वैल्यू कम होगी, यू की वैल्यू बढ़ेगी तो यन की वैल्यू कम होगी, जो इसके पहले बताए थे, जब कभी यन की वैल्यू मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो यू कम होगा और यू बढ़ेगा तो मैग्नीट्यूड कम होगा। अभी जो इसके पहले ये वाली बात बताए थे आप लोगों को, ये देखिए यहाँ पे यूनिट जो है, जो यहाँ पे यूनिट है मात्रक जो है वो देखिए घट रहा है तो मैग्नीट्यूड का वैल्यू बढ़ रही है, मात्रक घटेगा मैग्नीट्यूड की वैल्यू बढ़ेगी, ये ग्राफ से भी समझ में आ रहा है आपको, ये ग्राफ यन की वैल्यू बढ़ेगी तो यू की वैल्यू घटेगी। अच्छा, अगर हम इन्हीं ग्राफ को यन यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, अगर हम ग्राफ ड्रा करें ऐसा कुछ, U और यन यू के बीच, तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, स्ट्रेट लाइन। और अगर यही ग्राफ हम ऐसा ड्रा करें यन यू और आपका यन के बीच, तो भी ग्राफ
स्ट्रेट लाइन भी प्राप्त होगा। तो आपको तीन ग्राफ बताए गए, ये तीनों ग्राफ अगर आप लोग देखेंगे अच्छे से तो आपको समझ में आएगा। एन यू इक्वल टू कांस्टेंट, और आपका एन यू और यू के बीच अगर ग्राफ ड्रा किए तो भी आपका स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगा। एन यू और एन के बीच ग्राफ ड्रा किए तो भी स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगा। एक और ग्राफ है वो ये है कि एन यू इक्वल टू अगर कांस्टेंट है आपका, तो इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, एन इक्वल टू कांस्टेंट अपान यू। तो अगर हम दोनों साइड में यू से आपका मल्टीप्लाई कर दें तो बताइए क्या होगा, यू एन इक्वल टू कांस्टेंट U अपान यू। तो यहां वाला U कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई होगा कांस्टेंट हो जाएगा, इक्वल टू कांस्टेंट अपान U। अब हम इनके बीच का ग्राफ ड्रा करें, मतलब एन यू प्रपोजनल टू वन बाई यू, मतलब वन बाई यू, वन अपान वन बाई यू के बीच ग्राफ अगर ड्रा करें तो क्या मिलेगा देखते हैं। देखिए तो जो ग्राफ मिलेगा वो स्ट्रेट लाइन वन बाई यू और एन यू के बीच जो ग्राफ मिलेगा वो स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो इस चैप्टर में आपको, इस पहली यूनिट में आपको इतने ग्राफ देखने हैं आपके, कौन कौन से ग्राफ है देखिए, एक तो ये देखिए ये ग्राफ यूनिट और मैग्नीट्यूड के बीच ग्राफ, ये वाला ग्राफ दोनों स्ट्रेट लाइन मिलेंगे, ये वाला कांस्टेंट मिलेगा। तो हम आशा करते हैं आप लोगों को इसकी वैल्यू समझ में आई होगी। मेन बात इसमें ये था एन वन यू वन इक्वल टू एन टू यू टू, एक यूनिट को दूसरी यूनिट में हम चेंज कर सकते हैं इस तरह से है। अच्छा देखिए, अगर आपको कहीं दे दे कि 100 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करिए, मीटर में आपको चेंज करना है, और ये तो आसानी से चेंज हो जाएगा, हालांकि हम उसमें फार्मूले रख के देख लेते हैं। एन वन यू वन इक्वल टू एन टू यू टू, एन वन की वैल्यू 100 × सेंटीमीटर, यूनिट सेंटीमीटर इक्वल टू, एन टू में चेंज करना है, दूसरी यूनिट किसमें है मीटर में, तो हमें मीटर में चेंज भी करना था, तो ये सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे, तो 100 × सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे अभी, तो हमें पता है 1/100 मीटर आएगा इक्वल टू एन टू इंटू मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा 100 से 100, यानी एन टू की वैल्यू आएगी 1, यानी अगर हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो हमें पता चल जाना चाहिए यहां पे कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। देखिए 1 मीटर यानी यह 1 की वैल्यू एन वन मान लीजिए या एन टू मान लीजिए, एन टू यू टू इक्वल टू एन वन यू वन, एन वन और यू वन। तो इसको कैसे अप्लाई करेंगे, हम आशा करते हैं आप लोगों की ये बात समझ में आई होगी नेक्स्ट वीडियो में, और इससे हम अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल बताएंगे। तो हम आशा करते हैं ये वाली सबको बात समझ में आए होगी कैसे इसको अप्लाई करते हैं।